गाइस ये वाला जो डिश है ये सिर्फ 15 रुपए में मिलता है। ब्लॉगिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ। जिस गोरे का मैं जिक्र किया था यह गोरा आ गया है, एक बार चेक करिए। गाइस ये गेस करो ये किसका स्टैचू है। हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसाम बी ब्लॉग्स। आई होप गाइस यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों आज की इस ब्लॉग्स में मैं आप लोगों को खाने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही अमेजिंग सा एक फूड्स। तो मुझे दो भाई ने कमेंट किया था कि एक फूड ब्लॉग्स बनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि आइडिया बहुत अच्छा है, क्यों ना एक फूड ब्लॉग्स बनाया जाए। तो ऐसा एक डिश है जो हमारे यहाँ मिलता है सिर्फ 15 रुपए में। तो ये वाला डिश मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। जो डिश है मैंने भी बहुत टेस्ट किया है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो दोस्तों देखते हैं आज कितना खा पाते हैं, किससे बनता है क्या कुछ। तो दोस्तों फूड ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये वाला सीन दिखाना चाहता हूँ, एक बार चेक करिए। यह देखिए गाइस, यह है हाईलाकंदी का रविंद्र उद्यान। पीछे जो देख पा रहे हो एक बिल्डिंग, यह है रविंद्र भवन, यानी कि इस रविंद्र भवन में दोस्तों फंक्शन वगैरह सब कुछ होता है इस रविंद्र भवन में। ये वाला जो रविंद्र उद्यान है ये एक बार घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहो, पूरा वीडियो देखो, जरा सा भी स्किप मत करना। अगर स्किप करते हो बहुत सारे जो मजा है वो मिस कर जाओगे। पता है ये जो प्लेस है इसमें एक घोड़ा भी है जिस घोड़ा का पंख भी है। तो देख पा रहे हो आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस होता है, लेकिन जो क्रिकेट है क्रिकेट एकेडमी है, अगर आप लोग चाहते हो तो यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हाईलाकंदी में दोस्तों इतना अच्छा स्कोप नहीं है, यहाँ से अगर आप लोग खेलते हो तो बहुत आगे जा सकते हो, जरूर आ जाना। मैंने भी किया था। मुझे दोस्तों क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है मुझे। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बड़ा क्रिकेटर बन पाऊंगा, तो गाइस इसलिए मैंने मतलब इतना आगे क्रिकेट के बारे में इतना आगे नहीं सोचा। ब्लॉगिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, इतना मतलब अच्छा खासा ही थोड़ा बहुत अच्छा खासा कर लेता हूँ दोस्तों। सो गाइस जिस गोरे का मैं जिक्र किया था यह गोरा आ गया है, एक बार चेक करिए। ये गोरा पुराना होने के कारण दोस्तों इसका जो कलर वगैरह है कुछ इस टाइप का हो गया है। यही नहीं अभी और सुनिए, लेकिन ये गोरा बहुत ही अच्छा है, इसका सवारी लेने में बहुत मजा है। तो क्यों ना दोस्तों इस घोड़े के ऊपर थोड़ा जाया जाए। तो इसके ऊपर जाने के लिए मुझे देखो गाइस ये मैं आ गया घोड़े के ऊपर। ये देखिए घोड़ा, ये घोड़े का दुकान। काश दोस्तों मैं इस घोड़े के ऊपर बैठ के मैं जा सकता, ऐसा हमारे साथ कभी होता नहीं। ये दुख का खतरा होता है। ये जो पार्क है ना गाइस इसका बहुत ही अच्छा फायदा उठाते हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। हाँ मुझे पता है मेरा ब्लॉग जो है बहुत सारे बड़े लोग भी देखते हैं, लेकिन आजकल का जमाना ही ऐसा हो गया क्या बताए। वैसे मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ठीक है, मेरा जो जितने भी रिश्तेदार देख रहे हो उनको मैं बोल रहा हूँ, बड़ा हरामी हो। और गाइस बैकग्राउंड में इतना अच्छा अच्छा गाना बज रहा है। यहाँ का जो गार्डन है बहुत अच्छी तरह से लगाया गया है, गार्डन को सजाया गया है। सो गाइस आगे बढ़ते है। सो गाइस यहाँ पर एक घर है, इसमें लिखा हुआ है शिशु विकास केंद्र। श्री संतोष कुमार रॉय ने दोस्तों ये वाला जो प्लेस है ये डोनेट किया था। हमारे पहले का जो एमएलए थे श्री गौतम रॉय, तो गौतम रॉय का भी नाम है यहाँ पर। और यह दोस्तों बना था 16/6/2003 इंग्रेज। यहाँ पर देखिए इतना सारा घास फूस हो गया है, यह थोड़ा क्लीन होता तो दोस्तों यहाँ पर आने का मज़ा बहुत अच्छा होता। वाला प्लेस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और यह है यहाँ का घाट और यहाँ पर बैठने का जगह। यह है दोस्तों इस जगह का मेन गेट, यहाँ से प्रवेश करना पड़ता है, फिलहाल लॉक लगा हुआ है। यह है शायद टिकट काउंटर, यहाँ से पूरा ये होके इधर होके इधर होके आप लोग यहाँ से घूम सकते हो पूरा। तो यहाँ पर रनिंग वगैरह करते हैं हम लोग। बहुत बड़ा तालाब है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। सो दोस्तों गैस करिए ये कौन सा वाला स्टेचू का स्टेचू है। ये वाला जो स्टेचू है मैं एक बार साइड एंगल से आप लोगों को दिखाता हूँ, जो भी गैस कर पाते हो वो जो भी चैलेंज दोगे मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा। गाइस ये गैस करो ये किसका स्टैचू है, कौन सा वाला स्टैचू है। इस महान व्यक्ति का स्टैचू ये यहाँ पर बनाया गया है। अगर ये आप लोग गैस करते हो तो दोस्तों जो भी चैलेंज दोगे मैं चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा और उस चैलेंज को लेके मैं वीडियो बनाऊंगा। सो गाइस हम लोग जाने वाले हैं ये वाला दुकान पे। दाल पूरी तैयार हो चुका है और मेरा साथ है आज एक स्पेशल गेस्ट दबूजित भाई। बेबी ब्लॉग्स बनाता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना। गाइस ये वाला जो डिश है ये सिर्फ 15 रुपये में मिलता है, तो हम लोग ये वाला जो डिश है वो ट्राई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे इसका टेस्ट कैसा है और क्या क्या दिया गया है इसमें, इसका रिव्यू देंगे हमारे राज। तो बताओ कैसा लगा है? अरे कहना क्या चाहते हो, आप बताओ कैसा लगा ये डिश? बहुत अच्छा टेस्ट गाइस, आप लोग इधर आकर टेस्ट करना गाइस। दुकान है टीमाता पर तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के सामने, आप लोग आ जाना। तो इसमें देखिए कच्चा गोभी और मटर जो डाल दिया जाता है और बहुत ही अच्छा क्वांटिटी है, एक बार चेक करिए, बहुत टेस्टी है। सिर्फ 15 रुपये में मिल जाएगा आप लोगों को। इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चैनल के मेंबर बनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम लोग 2K कंप्लीट करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी 2K का मेंबर आप लोग भी बनिएगा। आप लोग फूड ब्लॉग्स पसंद करते हो तो मुझे और भी कमेंट करो ताकि मैं और भी फूड ब्लॉग्स आगे बना सकूँ। ये जो फूड है गाइस, ये अगर आप लोग टेस्ट करना चाहते हो तो हाईलाकंदी में रहते हो तो दोस्तों आप लोगों को टेस्ट करने को मिलेगा। अगर सिलचर में तो भी हाईलाकंदी में आ सकते हो। ये सिर्फ 15 रुपये मिलता है, आप लोगों को आना पड़ेगा हाईलाकंदी के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के ठीक उल्टा साइड में एक मिठाई की दुकान है, इसमें आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। और यहाँ पर ही मिलता है शाम को 6 बजे, तो आप लोग आ जाना। मैं हर रोज खाता रहता हूँ, बहुत ही टेस्ट लगता है। और भी इंटरेस्टिंग फूड ब्लॉग्स, फूड चैलेंज एंड ईटिंग फूड का ब्लॉग्स बनाने वाले हैं। इस वीडियो में अगर मेरा 200 कमेंट कंप्लीट होता है तो दोस्तों मैं रखने वाला हूँ एक चैलेंज। गाइस चलता हूँ, चलिए चैनल को आगे बढ़ाओ, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए चलता हूँ, बाय, गुड नाइट।